जय श्री राम आप सभी को। मेरा नाम कल्पना, भाभी जी के मिक्स ब्लॉग। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है भाभी जी के मिक्स ब्लॉग। तो दोस्तों आपका स्वागत है, अभिनंदन है मेरी वीडियो। तो मैं ये कह रही थी, मिथिलेश भाटी ने जो बयान दिया, जो मीडिया पर बोला, वो ऐसे ही बोल दिया, गुस्से में मतलब निकल गया मुँह में जो आया देख के। तो उन्होंने जो बोला ना, वो ठीक भी है और ठीक भी नहीं है। अगर ठीक ऐसे नहीं है कि ऐसे नहीं नहीं बोलना चाहिए था, जानबूझ के नहीं बोला। और ठीक ये भी नहीं है कि गांव की भाषा आई है, नॉर्मल सी बात है। किसी कोई पतला है तो हम सूखा बोल देते हैं, मोटा है तो मोटो बोल देते हैं, बुद्धि नहीं है तो मंद बुद्धि बोल देते हैं। मतलब गाँव की नॉर्मल सी भाषा है, क्योंकि मैं भी एक गाँव से बिलोंग करती हूँ। तो दोस्तों आइए देखिए, ये पत्रकार उस गांव में गए और उन्होंने बात करने की उस गांव के लोगों से कोशिश की, तो देखिए क्या कहते हैं ये, आइए सुनते हैं। सीमा सचिन एक तरफ, मिथिलेश भाटी और उनकी बहन गीता भाटी। अब एक नया विवाद शुरू हो गया है कि मिथिलेश भाटी ने सचिन को लप्पू झिंगुर ऐसे शब्द उसके लिए इस्तेमाल किए। अब इस या ज्ञानवान ही हो तो इस प्रकार के जो शब्द प्रयोग किए हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, तो उसकी जो सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो मिथिलेश भाटी को सचिन से माफी मांगनी चाहिए। देखिए